सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का धरातल पर क्या हश्र है और इन योजनाओं से निचला तबका कितना बेखबर है, इसका जीता जागता उदाहरण रायबरेली में उस समय देखने को मिला जब एक गरीब मजबूर कैंसर पीड़िता अपने इलाज के लिए जिलाधिकारी की चौखट पर अपने पति और मासूम बच्चों के साथ आई और मदद की गुहार लगाई। देखिए ये रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय में मदद की गुहार लेकर आई ये पीड़िता रायबरेली जिले के जतुआ टप्पे बिजवन की रहने वाली है। इसका नाम निर्मला देवी है। ये लोगों के घर में बर्तन चौका करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। इसके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। पीड़िता को बच्चेदानी में कैंसर, पित्त की थैली में पथरी और न्यूरो की भी समस्या है। इसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। पीड़िता के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। पीड़िता अपने बच्चों के साथ जिलाधिकारी की चौखट पर पहुंची और इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई। यहाँ पे आए थे सर, डीएम के ऑफिस के पास में सर, वो पैसों के लिए सर आए थे हम। मेरे मिसेज का सर पेट में बच्चेदानी में साहब कैंसर है साहब, और उसके मदद के मेरे पास पैसे नहीं साहब, डीएम के पास आए हैं साहब, पैसों के लिए साहब हमें मदद चाहिए साहब। साहब मैं देवरानी के मतलब पेट में पथुआ कैंसर है, बच्चेदानी में इसीलिए आए हैं। किसके पास आई हो? डीएम के पास सर। मैंने मतलब कुछ मदद के लिए मांग रहे हैं पैसा, ऐसे इलाज हो जाए, गरीब में नहीं है सर। डीएम साहब ने कहा कि मतलब पैसा के वह लिखा ला वहाँ से, कितना पैसा लगे तो मैं यहाँ उसको परमिट कर लूँ। पीड़िता की मदद की गुहार पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने तत्काल मदद का भरोसा देते हुए पीड़ित से इलाज की एस्टिमेट लाने की बात कही। उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आश्वासन जरूर दिया कि पीड़िता की हर संभव मदद होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन पीड़िता की मदद करता है या पीड़ित परिवार को ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। खबरें अभी तक के लिए रायबरेली से सिराज अहमद की रिपोर्ट।